हेलो दोस्तों, मैं अलर भास्कर अपने YouTube चैनल न्यू टेक में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे देख सकते हैं, और यही नहीं बल्कि आप पूरे छत्तीसगढ़ में किसी भी तहसील के, किसी भी जिले के, किसी भी ग्राम पंचायत का आप वोटर लिस्ट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल की घंटी को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी नई से नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। यहाँ आपको गूगल में टाइप करना होगा वोटर लिस्ट सूची। तो दोस्तों, ये लिख के सर्च मारेंगे तो ये पेज ओपन होगा। इसके बाद ये वोटर लिस्ट जो छत्तीसगढ़ है उसको आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये पेज ओपन होगा। अब यहाँ आपको जिला चयन करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ जिला चयन कर लेता हूँ, जैसे मैं बिलासपुर का हूँ, बिलासपुर जिला चयन कर लिया। अब आप जिस भी विधानसभा के अंतर्गत आते हैं उसमें विधानसभा का चयन करना होगा। तो चलिए दोस्तों, विधानसभा का मैं चयन कर लेता हूँ। चयन करने के बाद ये मतदान केंद्र की सूची देखेंगे, क्लिक कीजिए। उसके बाद ये पेज ओपन होगा, इसमें आपको ये कैप्चा डालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ये कैप्चा मैं डाल देता हूँ। ये अब आपको ये मतदाता सूची ये डाउनलोड होगा पीडीएफ में। ये मतदान केंद्र का क्रमांक है, मतदान केंद्र का नाम है। जिस भी मतदान केंद्र का नाम के अंतर्गत आते हैं उसको आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे पेज दिया गया है, यहाँ और आगे पेज है। तो चलिए दोस्तों, इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा एक एक करके, जब तक आपका, चलिए दोस्तों मैं चौथे नंबर पे गया हूँ। चौथे नंबर पे मेरा ये मतदान केंद्र है, तो मैं इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड पे क्लिक किया, ये कैप्चा गलत हो गया है करके एक आया है। कैप्चा को फिर से डाल लेते हैं। अब डाउनलोड करते हैं, ये रहा है आपका पूरा वोटर लिस्ट की सूची आपके सामने है। अब आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये रहा दोस्तों, ये हमारा पीडीएफ में हमारा वोटर लिस्ट डाउनलोड हो गया। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, नमस्कार।